क्योंकि ऐसा लगता है ना, दूर से देखो ये उड़न तश्तरी से उड़ती हुई आ रही है पूरी ऐसे ही हूँ, तो स्पेसशिप जैसा पूरा इफेक्ट दिया हुआ है। इसका स्टार ट्रैक मुझे याद आ गया। बोल्ट ऑडियो मैवरिक, तो ये है बोल्ट के नए TWS मैवरिक्स। नाम तो भाई तगड़ा रखा है, मैवरिक, टॉप गन मैवरिक, बोल्ट ऑडियो मैवरिक। टॉप गन मैवरिक तो टाइट मूवी थी, लेकिन ये मैवरिक कितने टाइट है चलिए पता करते हैं। और पता करने से पहले इनका प्राइस बता दूं, करंटली ये जो है 1500 रुपए के अवेलेबल है, और आगे इनका क्या प्राइस रहने वाला है 1700, 1800, 1900 वो अभी पता नहीं है। लॉन्चिंग प्राइस फिलहाल इनका 1500 रुपए है। तो इनका कुछ डिब्बा इस तरीके से आता है, खोल लेते हैं। और बॉक्स के यहाँ पे जो है बॉटम में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। एक्स्ट्रा बेस, बिल्ट इन माइक, HD डीप बेस एंड 3D अकॉस्टिक्स, 1 ईयर वारंटी, बिल्ट इन माइक्रोफोन्स, और बैक साइड में यहाँ पे कुछ जनरल डिटेल्स दी हुई हैं। बाकी बॉक्स के ऊपर एज सच कोई स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कोई खास डिटेल नहीं दी हुई, तो चलिए निकालते हैं। वाह, तो ये लाल लाल सा बड़ा अच्छा सा कवर लग रहा है। बाकी यहाँ पे ये आ गया हमारा बोल्ट मैवरिक, और केसिंग तो यार बढ़िया लग रही है इसकी, देखते हैं अभी। बाकी यहाँ पे रखी हुई है एसेसरीज, यहाँ पे लिखा हुआ है एसेसरीज, तो पैकिंग वगैरह तो यार इंप्रेस हुआ मैं, अच्छी लग रही है पैकिंग। तो एसेसरीज के पैकेट में निकलता है एक यहाँ पे USB केबल टाइप सी वाला, और केबल वही छोटा सा है, इन जनरल सब में ही ऐसे आ रहे हैं जितने भी ये 1500 रुपए की रेंज के ईयरबड्स हैं। बाकी यहाँ पे मिल जाती हैं हमें 4 एक्स्ट्रा टिप्स यानी कि 2 का पेयर, और डब्बा इज एम्प्टी। और ये केसिंग देख रहे हो अभी यार, मतलब फोम वोम बकायदा लगा के दी है, मतलब प्रीमियमनेस दिखाई है बोट ने, बोल्ट ने यार, मतलब नाम ऐसा है ना तो प्रोनाउंस एक जैसा हो रहा है। तो यार मुझे इनकी जो ओवरऑल पैकिंग है ना वो अच्छी लगी। चलो भैया इन सबको अब रखते हैं साइड में, हम देखते हैं अब अपना नेक बैंड, TWS। तो भाई इसकी सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ, जो इनका ओवरऑल केसिंग है यार वो बड़ी प्यारी सी है, और ये देखते यार नीचे पूरी ये लाइट जो जलती है तो बिल्कुल ही एक मतलब ना फ्यूचरिस्टिक सा लुक देती है इसको यार। मतलब आदमी जरा पूछेगा आपसे जरूर भैया कौन से TWS हैं, ईयरबड्स हैं। तो यार केसिंग तो इनकी अच्छी लग रही है, ऊपर पूरी मैट फिनिश है जो कि मुझे पसंद है, क्योंकि मैट फिनिश पे यार ना जल्दी स्मजेस वगैरह स्क्रैचेस नहीं पड़ते। और इसकी यार लाइट तो यार ये जो एम्बियंट लाइट जल रही है ना, इसकी जो दी हुई है बहुत ही प्यारी लग रही है यार ये। बाकी नीचे कोई ऐसी डिटेल तो नहीं दी हुई है, और अंदर से ही फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह के हैं इनके, तो ये काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं देखने में। और मैं इनको निकाल लेता हूँ, तो निकालने के बाद में इस तरह से कुछ ये पूरी केसिंग मिल जाती है, चार्जिंग की पिन से यहाँ पे, और इस तरीके से पूरी केसिंग है। और केसिंग कवर की बात करूँ तो केसिंग कवर जो है इस तरह का ट्रांसलूसेंट सा दिया हुआ है, जो कि मतलब ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी का है। क्वालिटी इसकी ऐसी नहीं लग रही, मतलब चीप वाली है, मतलब लग रहा है कि हाँ प्रीमियम TWS है। ओवरऑल केसिंग मुझे डिसेंट लगी इसकी, बिल्ड क्वालिटी भी और उसका लुक भी जो पूरी इसमें लाइट वगैरह दी हुई है। क्योंकि ऐसा लगता है ना दूर से देखो ये उड़न तश्तरी से उड़ती हुई आ रही है पूरी ऐसे ही हूँ, तो स्पेसशिप जैसा पूरा इफेक्ट दिया हुआ है। इसका स्टार ट्रैक मुझे याद आ गया। भाई यहाँ पे आ गए हमारे TWS, और इनमें पन्नी लगी हुई है जो चार्जिंग से हटा दूं मैं, वरना ये चार्ज नहीं हो पाएंगे और ना एक्टिवेट होंगे, तो ये मैंने इनकी ये हटा दी। तो भाई ओवरऑल TWS की मैं क्वालिटी कहूँ ना तो डिसेंट है, पूरी प्लास्टिक में मैट फिनिश दी गई है, लेकिन लुक वाइज ऐसा दिया गया मतलब दूर से ऐसा लगेगा कि मेटल के हैं, लेकिन ये जो पूरी प्लास्टिक बिल्ड में है। क्वालिटी वाइज कहूँ तो क्वालिटी मुझे इनकी अच्छी लगी इनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। बाकी यहाँ पे जो टिप्स हैं इनकी वो कुछ इस तरीके से ओवल शेप में दी गई हैं, तो ओवल शेप में जो टिप्स हैं इनकी वो डिसेंट है। बाकी यहाँ से पूरी सब मैट फिनिशिंग में दी गई है, और यहाँ पे नीचे जो है टिप्स में इनके नीचे जो है यहाँ पे 2 माइक मिल जाते हैं दोनों ही साइड पे, और यहाँ पे ऊपर साइड में आप देख सकते हैं इस वाले में यहाँ पे अब जो है लाइट जलने लगी है, तो इस तरीके से इनमें लाइट बिलिंग करती है जब ये कनेक्शन मोड में होते हैं। तो ओवरऑल फिजिकल बिल्ड इज गुड, और हाँ 2 यहाँ पे जो है होल्स मिल जाते हैं अंदर के साइड पे। बाकी यहाँ पे और कहीं माइक मुझे दिख नहीं रहा, हो सकता है ये जो 2 ऊपर बारीक से छेद दिए गए हैं तो ये भी जो है माइक कमरे हों, वो लाइट अंदर से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है इसमें। और भाई पुस्तकों को तो बताना हम भूल ही गए, तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ पुस्तकें मिल जाती हैं छोटी छोटी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है सही है, लेकिन थोड़ा पेपर का तो यूज हुआ ही है। पहले तो ये कार्ड मिलता है इसके अंदर, गेट 100 रुपीज़ 100 गिफ्ट वाउचर, तो ये किसी को चाहिए हो तो स्कैन कर लेना, 100 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक ठोक देना, और साथ ही में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो बाकी पीछे जो है यहाँ पे कुछ वारंटी के लिए रजिस्टर वगैरह लिए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका ये बोल्ट ऑडियो को मिल जाता है मैनुअल, तो यहाँ पे आपकी मैनुअल मिल जाएगी। यहाँ कुछ डिटेल्स हैं, पॉज करके देख लेना वीडियोस को। और यहाँ पे बेसिक ईयरफोन स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, और बाकी बेसिक ऑपरेशंस के जो फंक्शंस है वो यहाँ पे सब दिए हुए हैं, तो वीडियो पॉज करके आप जो है चेक कर सकते हो। और इसको और ज़्यादा खोल दूँ तो यहाँ पे सब डिटेल्स दी हुई हैं, ब्लूटूथ पेयरिंग की, गेम मोड आपको कैसे ऑन करना है। तो गेम मोड को जो है बेसिकली राइट वाली ईयरबड पे 3 सेकंड्स के लिए आप लॉन्ग प्रेस करे रहोगे तो आपका गेम मोड ऑन हो जाएगा, और वैसे ही सेम गेम मोड ऑफ हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ पीछे नोट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। तो इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर हमें
ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, जो कि लेटेस्ट है, अच्छी बात है। और इसके अंदर 45 ms की गेमिंग लेटेंसी मोड मिलता है अकॉर्डिंग टू कंपनी, वो हम अभी टेस्ट करके देख लेंगे, आपको मैं गेमिंग लेटेंसी टेस्ट दिखा दूंगा। उसके साथ ही इसके अंदर जो है 35 hours का प्लेबैक टाइम कंपनी ने क्लेम किया है गेमिंग मोड ऑन करने के बाद, यानी 35 hours का क्लेम किया तो आपको आराम से 30-32 hours का गिरे से गिरे मिल ही जाएगा गेमिंग मोड ऑन करने के बाद। और अगर गेमिंग मोड ऑफ करके खेलते हो आप, जिसे कंपनी ने गेमिंग मोड को इसके कॉम्बैट मोड कहा है बेसिकली, कॉम्बैट मोड ऑफ कर लेते हो अगर, तो आपको 35 hours या उससे ऊपर का प्लेबैक टाइम आराम से मिल ही जाएगा। बाकी क्वाइट माइक्स इसके अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि जनरल मोस्टली जितने भी TWS हैं इस रेंज के उन सभी में आ ही रहे हैं। और एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मिलता है इनमें, जो कि आपकी हल्की पुल्की लाइक पंखे की हवा कोई, आप बाहर कहीं खड़े हो तो हवा तेज चल रही है, और जो जनरल बेसिक जो साउंड होता है वो सब जो है ये नॉइस डिटेक्ट कर देगा, तो उसका भी हम टेस्ट करेंगे ही अभी। बाकी फास्ट चार्जिंग मिल जाती है इसमें, जो कि क्लेम कराए कंपनी ने 10 मिनट चार्ज करके आपको 120 hours का प्लेबैक मिल जाएगा 10 मिनट चार्ज करने में। तो ये टोटल मतलब टाइम जो है केसिंग का मिला के। बाकी खाली इनकी ईयरबड्स की बात करूं तो उनके अंदर जो है 7 hours का बैकअप मिल जाएगा गेमिंग मोड ऑन करके, जो कि अच्छा है। अगर 7 hours दी हुआ है तो 6-6.5 घंटे तक का तो गेमिंग मोड ऑन करके आपको मिल ही जाएगा। तो गाइस कान में इन्हें मैंने पहन लिया है, और कान में पहनने के बाद मतलब कंफर्टेबल फील होते हैं, पास से देख सकते हैं कान में पहन के ये कुछ इस तरीके से लगते हैं, तो लुक इनका काफ़ी अच्छा मिल जाता है ओवरऑल, मतलब काफ़ी डिसेंट अच्छा सा लुक दिया गया है इनका, और कंफर्टेबल भी है कान में पहनने के बाद। आसानी से अगर मैं अपना सर हिलाऊं तो ये गिरेंगे नहीं, यानी कि अगर जॉगिंग करनी है वॉकिंग करनी है आपको तो जिम में भी आपको कंफर्टेबल रहेंगे, आसानी से निकलेंगे नहीं है अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा कूदाबांदी नहीं हो रही हो। बाकी आप सोच रहे हो यार इनकी ईयरबड्स की लाइट जल नहीं रही है तो ये कैसे चलेगी, तो भाई इनकी ईयरबड्स की लाइट म्यूजिक मोड जब इनका लगा रहेगा, म्यूजिक मोड में इनके जो है ऑफ रहती है, और अगर आप गेमिंग मोड में स्विच कर लेते हो इनकी लाइट जो है इस तरीके से जो है ब्रीथिंग इफेक्ट में जलती रहेगी गेमिंग मोड में जाने के बाद में, और फ्लिकरिंग जो हो रही है इसके अंदर वो कैमरे की वजह से हो रही है, तो फ्लिकर नहीं होती, बस ब्रीथिंग मोड में इस तरीके से जलती बुझती रहेगी। तो भाई आ गया है इनको टेस्ट करने का समय, तो इनका म्यूजिक टेस्ट कर लेते हैं, म्यूजिक कैसा है इनका। भाई साहब, भाई ये जो है ना म्यूजिक के अंदर तो भाई बेस जो है इनकी जो है बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, मतलब एक होता है हेवी बेस, ये जो है एक्स्ट्रा हेवी बेस है, जो सोनी की जो टैगलाइन है ना एक्स्ट्रा बेस, तो वो टैगलाइन मुझे याद आ गई। भाई इनमें जो है हेवी बेस जो है वो एक्स्ट्रा है, मतलब आपको हेवी से भी हेवी बेस मिलेगी, तो बेस इनकी भाई बहुत ज्यादा है और लाउडनेस भी इनकी बहुत ज्यादा है, तो मैं फुल वॉल्यूम पे तो सुन ही नहीं पाया इन्हें, अराउंड 70% वॉल्यूम पे मैंने इनको टेस्ट करके देखा, 70-80% वॉल्यूम में भी ना मेरा सर जो था भाई हिल रहा था, अच्छी खासी हेवी बेस मुझे फील हो रही थी, मतलब सर में पूरे आपके धमक फील हो रही थी। मतलब जो बंदा अगर हेवी बेस पसंद नहीं करता ना तो उसको ये बिल्कुल भी शायद अच्छा ना लगे इसकी म्यूजिक क्वालिटी जो है, क्योंकि इसमें जो है भाई ओवर पावर्ड बेस मिल रही है। और भाई अगर हाई वॉल्यूम में सुन रहे हो ना 80+ के अंदर तो मतलब सर जो है थोड़ी देर बाद दुखने लगेगा, इतनी हेवी बेस है आप समझ सकते हो। और ट्रिबल्स और वोकल्स की बात करूं तो ट्रिबल्स और वोकल जो है इसमें अच्छे दिए गए हैं, लेकिन बेस जो है इतनी हेवी होने की वजह से ट्रिबल्स और वोकल्स दबे दबे से फील होते हैं, ऐसा लगता है बेस जो है उनको दबा रही है। हालांकि वोकल्स जो है बहुत ज्यादा तो नहीं दबते, लेकिन वोकल्स के कंपैरिजन में ट्रिबल्स जो है मुझे ज्यादा दबते हुए लगे, ज्यादा हेवी बेस होने की वजह से। तो म्यूजिक के मामले में मैं कहूंगा ये जो है उन लोगों को ज्यादा पसंद आएंगे जिन लोगों को बहुत ज्यादा हेवी बेस पसंद है, जो बहुत ज्यादा हेवी बेस लिसनर्स हैं, जिन्हें सर दर्द करने वाली डिक-चिक बेस ज्यादा ही पसंद आती है। बाकी अगर मैं कहूंगा इसके अंदर ऐप सपोर्ट दे देता ना बोल्ट, उससे अगर हम इसकी इक्वलाइजर वगैरह सेट कर सकते थे, तो अगर हम ओवर पावर्ड बेस को इसकी अगर कम कर सकते इसके इक्वलाइजर के थ्रू ऐप सपोर्ट वगैरह के थ्रू, तो यार बहुत सही रहता, इनकी म्यूजिक क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती, क्योंकि सुनने में पता चल रहा था कि इनकी ट्रिबल्स और वोकल्स भी डिसेंट है, लेकिन बेस ओवर पावर्ड होने की वजह से वो दब रही है। तो म्यूजिक क्वालिटी को मैं कहूंगा ठीक है, आप काम चला सकते हो, एक्स्ट्रा पावर्ड बेस उन लोगों को झेलनी पड़ेगी जिन लोगों को एक्स्ट्रा पावर्ड बेस नहीं पसंद, बाकी वोकल्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए इसका गेमिंग लेटेंसी टेस्ट मैं आपको दिखा देता हूं, जो हमने गेमिंग लेटेंसी टेस्ट किया, तो दोनों ही मैंने गेमिंग मोड ऑफ करके और गेमिंग मोड ऑन करके किया है, ताकि आपको दोनों ही में डिफरेंस पता चल रहा है कितना डिफरेंस है। तो करंटली अभी गेमिंग मोड ऑफ है इसका, तो अब मैंने इसका गेमिंग मोड कर दिया है ऑन, तो भाई गेमिंग के अंदर जो है इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 45 ms जो है क्लेम कर रही है कंपनी, तो 45 ms मिल रही है। गेमिंग मोड ऑफ करके तो आपने देखा काफी ज्यादा लैग था, लेकिन गेमिंग मोड जहां हमने ऑन किया इसका, तो हमें काफी अच्छी लेटेंसी देखने को मिल रही थी, 45 ms जो है ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल रही थी, तो गेमिंग के लिए जो है बढ़िया है, गेमिंग के लिए आप डेफिनेटली इन्हें कंसिडर कर सकते हो। अब चलिए इनकी मैं आपको माइक क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, माइक टेस्ट मैंने इसका करा है। तो गाइस ये इस वक्त मैं बोल रहा हूँ हमारे बोल्ट ऑडियो के मैवरिक से, ये है इनकी साउंड क्वालिटी, कैसी है भाई इनकी साउंड क्वालिटी जरा कमेंट करके मुझे भी बताना कि आपको कैसी लगी इनकी साउंड क्वालिटी। माइक चेक 1 2 3, माइक चेक 1 2 3, माइक चेक 1 2 3,
फैन इस वक्त जो है मेरे ऊपर सीलिंग फैन ऑफ है और कुछ भी नहीं चल रहा आसपास। एक छोटा सा वही वाला पंखा चल रहा है जिसे आजकल हम टेस्ट कर रहे हैं, उसकी हवा के थ्रू नेक बैंड्स वगैरह टेस्ट हो रहे हैं। तो भाई ये हमारा पंखा है, ये चल रहा है इस वक्त और इसकी हवा मैं फुल स्पीड में इसकी दे रहा हूँ हमारे स्मार्ट टेबल की। तो कैसी ये नॉइस कैंसलेशन कर रहा है, बाहर जो है खिड़की से भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आवाजें आ रही है। मैं और करीब करूँ? ठीक है, अब मैंने और करीब कर लिया है। अब आप देखिए कैसी जो है ये नॉइस डिटेक्ट कर रहा है, हवा जो है अच्छी खासा फ्लो है हवा का। और अब मैंने बिल्कुल हटा दिया है, अब आप चेक करिए कि ये कैसी नॉइज जो है डिटेक्ट कर रहा है। इस वक्त कोई भी नॉइज नहीं है, पंखा बिल्कुल हट चुका है, हवा हवा कोई भी नहीं है। थोड़ी बहुत बाहर से हॉर्न के कुछ आवाज आ रही है कुछ बाहर से। और मैं भी अब चलिए अब चेक कर लेता हूँ कैसी है इसकी माइक क्वालिटी। तो भाई माइक क्वालिटी तो इनकी इंप्रेसिव है यार, माइक क्वालिटी इनकी मुझे काफी डिसेंट लगी। मतलब मैंने जो है फैन को काफी जब करीब भी कर लिया था तो अच्छा खासा एयर फ्लो था मेरे फेस के ऊपर, लेकिन तब भी ये जो है अच्छे से जो है नॉइस को डिटेक्ट कर पा रहे थे। हल्की फुल्की आपने नोटिस किया था, हल्की फुल्की आवाज आ रही थी हवा की, लेकिन मेरी आवाज के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, मेरी आवाज जो थी क्लियर। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, यानी कन्वर्सेशन के अंदर आपको कॉलिंग वगैरह में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर, अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया पे खड़े हुए हो। कुल मिला के ओवरऑल माइक क्वालिटी इनकी डिसेंट है। तो चलिए अब बात कर लेता हूँ अपने फाइनल ओपिनियन की हमारे इन बोल्ट ऑडियो मैवरिक्स के बारे में। तो भाई प्राइस बजट को देखते हुए इनके जो 1500 रुपए के हैं करेंटली, तो 1500 रुपए के प्राइस बजट में ये डिसेंट ईयरबड्स हैं। और अगर इनका प्राइस 1700-1800 तक रहता है, मतलब 1800 तक जो है अगर मैं कहूँगा, तो उस प्राइस में भी जो है डिसेंट है गेमिंग के लिए, एज वेल एज माइक क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। तो ओवरऑल कॉलिंग पर्पस के लिए और गेमिंग के लिए मैं कहूंगा इस प्राइस बजट में ये अच्छे हैं, डिसेंट है। लेकिन म्यूजिक के मामले में मैं कहूंगा अगर आप हेवी बेस लिसनर नहीं हो, एक्स्ट्रा हेवी बेस आपको पसंद नहीं आती, संभाल नहीं पाते आपके कान, तो म्यूजिक आपको इनका बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक हेवी बेस लिसनर हो, आप बहुत ज्यादा हेवी बेस पसंद करते हो, तो आपको डेफिनेटली इनकी म्यूजिक क्वालिटी पसंद आ जाएगी। तो म्यूजिक क्वालिटी मैं कहूंगा यार मतलब ओवर पावर्ड जो बेस दी गई है ना, उसकी वजह से ट्रिबल्स और वोकल जो है दबते हैं थोड़े, स्पेशली ट्रिबल जो है मुझे थोड़ी ज्यादा दबती हुई लगी इन कंपेरिजन टू वोकल्स। तो ये चीज मुझे इसमें यार निगेटिव पॉइंट लगा। तो म्यूजिक के मामले में मैं कहूंगा काम चला देंगे आपका ये ओवर पावर्ड बेस अगर आप हैंडल कर सकते हो। म्यूजिक के मामले में मैं कहूंगा ये एवरेज है, क्योंकि बेस जो है इनकी ओवर पावर्ड है जिससे कि ट्रिबल और वोकल्स जो है दबते हैं। बाकी गेमिंग के लिए स्पेशली अगर किसी को लेना है तो वो डेफिनेटली इन्हें कंसीडर कर सकता है, एक अच्छे लुक के साथ में आते हैं और अच्छी लेटेंसी 45 ms तक की प्रोवाइड कर देते हैं। वरना अगर आपको ये थोड़ा ऐसा लुक नहीं चाहिए इनका UFO वाला या जैसा इनका लुक मिल रहा है, तो आप और भी इससे सस्ते में यार अवेलेबल हैं, TWS जो हैं वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। भाई आपके ट्रू के ईयरबड्स हैं और विंग्स के आते हैं तो उनमें से भी आप जा सकते हो थोड़े और कम प्राइस में, वरना आप इनके साथ भी फिलहाल 1500 रुपये में आप जा ही सकते हो गेमिंग के लिए स्पेशली अगर आपको जाना है। लेकिन ना ये कहूँगा इनकी इनकी जो माइक क्वालिटी है वो मुझे थोड़े जो सस्ते वाले ईयरबड्स हैं लाइक जो 1500 से नीचे के प्राइस बजट में जो करंटली आ रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में इनकी माइक क्वालिटी बेटर लगी मुझे। वॉइस जो है वो ज़्यादा बेटर लगी, वहाँ पे भारी भारी वॉइस होती है, इनमें इतनी ज़्यादा भारी वॉइस नहीं थी, वॉइस जो थी अच्छी थी। तो ये था भैया इनकी ओवरऑल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। इसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन है नीचे, कमेंट करके आप पूछिए, या और भी कुछ मुझे अप्रिसिएशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में दीजिए आप जितना भी अप्रिसिएशन देना चाहते हो। और वीडियो ना लाइक कर रही हो तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, तो बाय लिंक तो उसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे जल्दी अपनी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप बूमिंग विद मी।